नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड थर्मास सन्मार्ग। अक्सर लोगों को नज़र लग जाती है, कभी कभी तो ऐसा होता है नकारात्मक ऊर्जा इतना ज़्यादा परेशान करता है कि जैसे आपका धन नहीं बचेगा, स्वास्थ्य की समस्या हो जाएगी, आकस्मिक रूप से जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कोई कुछ आपके ऊपर करवा रहा है। तो उनसे बचने के लिए हमारे तंत्र शास्त्र में एक ऐसे पौधे के जड़ की चर्चा की गई है जिसको धारण करने से आपके जीवन की जो ये सभी मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाती है। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ को आप धारण करें तो धन संबंधी समस्या भी दूर होती है, और अगर हम ज्योतिष की माने तो इस जड़ को धारण करने से नज़र दोष से भी बच सकते हैं। अगर आपके घर में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं तो बीमारियां भी समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो भी ये जड़ काम करता है। पैसा ना टिके तो भी इस जड़ का विशेष प्रयोग होता है। तो प्रयोग करने का तरीका अलग है पर जड़ एक ही है, और वो है आग का पौधा का जड़। आग का पौधा तो आपको पता होगा, जिसको हम आंकड़े का पौधा भी कहते हैं। ये शिवजी को सबसे ज़्यादा ये पुष्प पसंद है, और इसकी जो जड़ है इसके 7 महाप्रयोग किए जाते हैं या फिर 7 बेनिफिट है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका असर तंत्र विद्या में करने के लिए चूंकि ये कोई खास है, क्योंकि लोग अगर तंत्र मंत्र क्रियाएं आपके ऊपर कर देते हैं तो बहुत सारी मुश्किल बढ़ जाती है। उनसे बाहर निकलने के लिए भी ये जड़ का प्रयोग होता है, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के लिए भी ये जड़ सहायक है। अगर आपके आपको घर में लगता है किसी ने कुछ कर दिया है या बच्चों को नज़र लग गई है, तब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप ले आइए। लाकर गणेश जी के पास धोकर शुद्ध करके रखें। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप करें। अब इसको संभाल कर रख लें। थोड़ा सा टुकड़ा आप किसी ताबीज में भर कर या फिर आप बच्चे को हरे रंग के धागे में लपेट कर उनके पर्स में पॉकेट में रख दें। ऐसा करने से आपके बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। आप चाहे तो उनके स्कूल बैग में भी रख सकते हैं, आप कलाई में भी बांध सकते हैं। तो आप करके देखें, आपको इसके फायदे नज़र आएंगे। होता क्या है, कई बार आपके घर में लोग बीमार हैं तो कई बार बीमारी डॉक्टर के समझ में नहीं आती। इसका मतलब है किसी ने कुछ कर दिया है, इसीलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही। तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें, बुधवार के दिन इस पौधे की जड़ को ले आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 7 बार घुमा लें, उल्टा घुमा लें एंटी क्लॉक वाइज। अब किसी नदी में प्रवाहित कर दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए, देखिएगा उनका बीमारी समाप्त हो जाएगा। उपाय करेंगे बुधवार के दिन। अब जैसे देखिए कि इस जड़ का प्रयोग बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे में आप चाहते हैं कि आप जैसे जीवन साथी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन साथी का प्रेम आपको मिलता रहे, या अपने लव को आप चाहते हैं अपने आकर्षण में बांधना, तब रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह सुबह इस पौधे की जड़ को ले आइए। अब इसको साफ कर लें, इसको पानी के साथ थोड़ा सा पानी लेकर इसको पीस लें। अब इस पेस्ट को रुई में मिलाकर एक बत्ती बनाएं। आप बत्ती बनाकर सुखा लें उसको, और फिर इसको दीपक में डालकर जलाएं और इससे काजल तैयार करें। अब इस काजल को अपनी आंखों में लगाएं। जिसके सामने भी ये काजल लगा के आप जाएंगे वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। अगर धन ना टिके, धन की मुश्किलें ज़्यादा हो, तब आप घर के मुख्य दरवाजे पर आंकड़े के पौधे का जड़ काले कपड़े में बांध कर टांग दीजिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरेगी, वो चली जाएगी वापस। अगर किसी ने कुछ किया भी होगा तो वो वापस से चला जाएगा, क्योंकि आग के पौधे के जड़ में इतनी शक्ति है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को भगा देता है। लेकिन लगे कि भूत प्रेत की बाधा है, मुश्किलें बहुत है, तब आप सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है इसको आप धारण करें, हनुमान जी के चरणों में रखिएगा, और हनुमान जी के चरणों में रख कर आप उनका चरणों का थोड़ा सा सिंदूर इस पर लगा लें और अपने पास रखिए। यकीन मानिए किसी भी तरह का भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। अब कई बार होता है आपके सारे काम बिगड़ते, एक भी काम नहीं बन रहा है, ना बच्चों का विवाह हो रहा है, ना नौकरी मिल रही, ना घर में शादी विवाह हो रहा है, ना बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको लगे कि शुभ मांगलिक कार्य आपके जीवन में लंबे समय से नहीं हो पा रहा है घर में, तब आंकड़े का जो जड़ है ना थोड़ा सा लाकर गणेश जी के सामने रखें, इसको पूजा पाठ करें और धन स्थान पर रख दें। धन की समस्या दूर हो जाएगी, घर में शुभ मांगलिक कार्य होने लगेंगे। तो ये तो थी महाप्रयोग। लेकिन अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तब भी इस जड़ का आपके पौधे का जो जड़ है इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी सोमवार के दिन थोड़ा सा जड़ आपको लाना है, आप पहले से भी किसी बढ़िया नक्षत्र में ला सकते हैं और ला कर रख लें।
सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाकर आप इस जड़ को अर्पित कर दें। इसके बाद जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की चाहत महिला जो है चाहती हैं वो संतान प्राप्त हो, उनको चाहिए कि वो लाल धागे में अपने कमर में या सफ़ेद धागे में धारण करें और इसको शिव जी के माथे पे जब रखिएगा तो 7 बार शिव जी के ऊपर से उतार कर फिर आप ले लीजिएगा। शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा संतान प्राप्ति के लिए। आप ढेर सारा भी ले आकर उनको अर्पित कर सकते हैं और थोड़ा सा टुकड़ा आप बांधिए कमर में, अगर कहीं खो जाता है फिर से दोबारा बांध लें जो आपने रखा है सिद्ध करके। यकीन मानिए 3 महीने के अंदर आप गर्भ धारण कर लेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।